हेलो यूट्यूब, आज हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे और उसमें से चेक करेंगे प्राइम है या नहीं। तो लिस्ट ऑफ प्राइम फैक्टर प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर के लिए नाम एक वेरिएबल दे देते हैं, ये इंटीजर टाइप होगा। इनपुट करेंगे यूजर इनपुट, इंटर एनी मैसेज देते हैं नंबर। नंबर इनपुट करने के लिए यूजर को मैसेज दे दिया। अब क्या करते हैं हम, एफ इक्वल टू जीरो, ये बुलियन टाइप होगा, एफ जीरो या वन ही होगा इसका वैल्यू। फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज टू टू नम, नम यानी माइनस वन तक जाएगा, हमें नम तक ले जाना है, यानी नम प्लस वन। अब यहाँ कंडीशन लगाएंगे फैक्टर निकालने के लिए, इफ नम मॉडुलस I इक्वल टू जीरो अगर डिवाइड हो तो फैक्टर हो जाएगा। उसको फिर से चेक करना है, जो फैक्टर निकलेगा उसको J इन रेंज टू टू इंट I डिवाइडेड बाई टू, यानी I के हाफ तक। हाफ तक इसलिए कोई भी नंबर अपने हाफ से ऊपर डिवाइड नहीं होता है। जैसे 18 अगर डिवाइड होगा तो वो 9 से होगा, 10 से कभी डिवाइड नहीं होगा, यानी वो हाफ तक ही डिवाइड होता है, इसलिए हाफ तक दिए हैं। अब यहाँ कंडीशन लगाएंगे, इफ आई मॉडुलस जे इक्वल टू जीरो अगर हो तब, जैसे ही डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ का वैल्यू वन करो और ब्रेक कर दो, निकल जाना। सिंपली जैसे ही डिवाइड होगा तो वो प्राइम नंबर होगा नहीं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर खुद से और एक से डिवाइड हो। तो जैसे ही डिवाइड हो जाएगा एक खुद से, यानी एक तो रखे नहीं हम, टू से रखे हैं, टू से ऊपर किसी भी नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, इसलिए एफ का वैल्यू वन करके ब्रेक कर देगा। अगर नहीं डिवाइड हुआ तो एफ का वैल्यू जीरो रहेगा। तो यहाँ कंडीशन लगाएंगे, इफ एफ इक्वल टू जीरो प्रिंट आई, अगर एफ का वैल्यू जीरो है तो आई को प्रिंट कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा प्राइम फैक्टर हो जाएगा। सिंपल हम इसको रन करेंगे पहले। तो 18 में जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 3 है। हम 30 का चेक करते हैं, 30 में प्राइम फैक्टर 2, 3 और 5 है। इसको फंक्शन को समझ लेते हैं हम, नोटपैड ओपन करेंगे। जैसे ही यूजर नंबर इनपुट करेगा, नंबर अगर इनपुट कर रहे हैं 18, तो सिंपली क्या है, 18 अगर नम प्लस वन नहीं देते हैं तो क्या होगा, ये 70 तक ही जाएगा, यानी और भी जो रेंज फंक्शन है वो लास्ट के माइनस वन तक ही जाता है, यानी 17 तक ही जाएगा। इसलिए हम यहाँ नम प्लस वन 18 तक कर दिए हैं। तो यहाँ नम का वैल्यू क्या हो गया मेरा, 18। आई से यानी आई का वैल्यू स्टार्टिंग 2 से होगा, तो 2 से चूंकि डिवाइड हो जाएगा तो 2 आएगा, 2 यहाँ क्या हो जाएगा, 1 से या दूसरा किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए एफ का वैल्यू 1 नहीं होगा, 0 ही रहेगा और यहाँ प्रिंट करेगा। फिर क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू बढ़ के हो गया 3, 3 होगा तो 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई का वैल्यू आ जाएगा 3, 3 क्या हो जाएगा, 2 और किसी के रेंज में डिवाइड नहीं होगा, चूंकि 1 तक ही रह जाएगा इसलिए डिवाइड होगा ही नहीं, इसलिए ये भी एफ का वैल्यू चेंज नहीं होगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर आएगा 3 से नहीं, 4 से तो 18 डिवाइड होता नहीं है, 5 से नहीं, 6 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6। तो 6 यानी ये क्या हो जाएगा मेरा, 3 तक रन करेगा। तो आई का वैल्यू हो गया 6 और रन करेगा 3 तक, यानी फर्स्ट टाइम जे का वैल्यू 2 होगा तो 2 से क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड जैसे ही होगा तो एफ का वैल्यू 1 होकर ब्रेक हो जाएगा, यानी आई को प्रिंट नहीं करेगा, किस लिए, तो चूंकि डिवाइड हो जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 से नहीं, 9 से डिवाइड होगा, तो ये 9 हो गया, 9 का हाफ ये 4 के आसपास जाएगा, चूँकि डेसिमल वैल्यू नहीं, 4 के आसपास जाएगा, यानी 4 तक रन करेगा, तो यहाँ 9 दे दिए, तो 9 क्या हो जाएगा, डिवाइड 3 से, चूँकि 3 से जैसे ही डिवाइड होगा एफ का वैल्यू 1 होकर ब्रेक हो जाएगा, तो इस तरह क्या हो जाएगा, 9 भी प्रिंट नहीं होगा। तो इस तरह हम किसी भी नंबर का फैक्टर्स का प्राइम फैक्टर्स चेक कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियो।